विंध्य में नेताओं को पार्टी से ज्यादा जातियों से प्रेम, सतना में ब्राह्मण कर रहे कुशवाहा की मदद। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। विंध्य में नेताओं को पार्टी से ज्यादा जातियों से प्रेम, सतना में ब्राह्मण कर रहे कुशवाहा की मदद, रीवा में ब्राह्मण के लिए वोट मांग रहे कुशवाहा, सतना में सर्किट हाउस के सामने कांग्रेस उम्मीदवार सिद्धार्थ कुशवाहा का चुनाव कार्यालय है। इस कार्यालय में बैठे हुए हैं भैया लाल त्रिपाठी। त्रिपाठी रीवा के रहने वाले हैं और CPM यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हैं। दोनों पार्टियों की विचारधारा अलग अलग है, इसके बाद भी वे रीवा छोड़कर सतना में कांग्रेस प्रत्याशी के दफ्तर में क्या कर रहे हैं, ये पूछने पर कहते हैं कि सतना के ब्राह्मणों के बीच प्रचार करने आया हूँ कि कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा को वोट दो। रीवा की कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा का चुनाव कार्यालय यहाँ सतना से कुशवाहा समुदाय के लोग पहुँच रहे हैं। कार्यालय में बैठे कांग्रेस नेता इनका स्वागत करते हैं। वे कुशवाहा समुदाय के लोगों को बताते हैं कि रीवा में कहाँ कहाँ कुशवाहा वोटर प्रभावी है, अब रीवा में सतना के कुशवाहा समुदाय के लोग क्या कर रहे हैं। पूछने पर कांग्रेस नेता बताते हैं कि सभी समुदाय के लोग अपने अपने तरीके से प्रत्याशियों को समर्थन देने आ रहे हैं। दरअसल ये दोनों तस्वीरें कांग्रेस की चुनावी रणनीति का हिस्सा है। विंध्य की तीनों सीटें रीवा, सतना और सीधी में कांग्रेस जातियों पर फोकस कर रही है। एक्सपर्ट कहते हैं ये जातियों का एक्सचेंज प्रोग्राम है, यहाँ मोदी फैक्टर और राम मंदिर से ज्यादा चर्चा जाति की है। किस तरह से विंध्य की इन तीनों सीटों पर जाति मुद्दों पर हावी है और राजनीतिक दलों का जातियों को साधने पर फोकस क्यों है, बात 2019 के लोकसभा चुनाव की है जब सतना लोकसभा सीट से कांग्रेस के राजाराम त्रिपाठी उम्मीदवार थे। सिद्धार्थ कुशवाहा सतना से कांग्रेस के टिकट पर विधायक थे। चुनाव के दौरान सिद्धार्थ ने एक वीडियो जारी किया। 5 मिनट के इस वीडियो में सिद्धार्थ ने कहा कि कांग्रेस जब बुरे दौर से गुजर रही थी तब उन्होंने 2015 में ज्वाइन की थी। अगस्त 2018 में भोपाल के मानस भवन में समाज की बैठक हुई थी जिसमें कमलनाथ भी शामिल थे। उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद समाज को सरकार में प्रतिनिधित्व मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिद्धार्थ कुशवाहा ने कहा कि मैं अपने समाज के लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए खुद को 2019 लोकसभा चुनाव से अलग करता हूं। मेरा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, बस क्या था। इस वीडियो के बाद कुशवाहा समाज ने कांग्रेस से दूरी बना ली। राजाराम त्रिपाठी ये चुनाव हार गए। अब 5 साल बाद वक्त का पहिया फिर घुमा है। सिद्धार्थ कुशवाहा खुद कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, राजाराम त्रिपाठी अब भाजपा के हो गए हैं। समीकरण कुछ ऐसे बने हैं कि बसपा से नारायण त्रिपाठी मैदान में है। अब सतना के ब्राह्मण वर्ग को साधने के लिए सिद्धार्थ ने रीवा की कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा से हाथ मिलाया है। वे रीवा के ब्राह्मण नेताओं को सतना में प्रचार के लिए बुला रहे हैं ताकि ब्राह्मण वर्ग की सहानुभूति हासिल हो सके। ब्राह्मणों को साधने के लिए सतना में सिद्धार्थ ने नीलम मिश्रा से मदद मांगी है, तो वे बदले में नीलम के संसदीय क्षेत्र रीवा में कुशवाहा वोटर्स को साधने के लिए समाज के नेताओं को पहुंचा रहे हैं। दोनों एक एक दिन एक दूसरे के संसदीय क्षेत्र में रैली भी करेंगे। पार्टी नेता भी इस बात की तस्दीक करते हैं। रीवा में कांग्रेस के संगठन मंत्री रवि तिवारी कहते हैं कि पार्टी के सभी नेता अलग अलग समाजों से अपील कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक और नीलम मिश्रा के पति अभय मिश्रा ब्राह्मणों को मनाने के लिए सतना और सीधी जाएंगे। वहीं सीधी से कांग्रेस उम्मीदवार कमलेश्वर पटेल भी अपने चुनाव के दौरान ही रीवा पहुंच गए थे। कमलेश्वर रीवा में नीलम अभय मिश्रा के लिए पटेल वोटर्स की मदद मांगने पहुंचे थे। रीवा से सतना आए भैयालाल त्रिपाठी कहते हैं कि ब्राह्मण सतना में कांग्रेस को वोट देने का मन बना चुके हैं। सतना में कांग्रेस उम्मीदवार को ब्राह्मणों का साथ मिला तो उनकी जीत पक्की है। वहीं पास में बैठे हर्ष तिवारी कहते हैं कि बीजेपी के राज में रोजगार की कमी है। सीमेंट फैक्ट्री हमारे गांव के रास्ते में है, हम लोग सीमेंट फैक्ट्री के नाम पर सिर्फ धूल फांक रहे हैं। बीजेपी के नेता यहां ठेकेदारी करते हैं, फिर ठेके से ही दूसरे राज्यों से मजदूर बुलाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।